नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। साप्ताहिक राशिफल 20 तारीख से लेकर 27 तारीख तक, 20 से लेकर 27 सितंबर 2021 तक का वक्त कैसा बीतेगा, ये दिन क्या कहते हैं आपके लिए, सितारे क्या कहते हैं और क्या मिलेगा, क्या जाएगा, कौन दोस्त कौन दुश्मन, कौन अपना कौन पराया, पैसा रुकेगा कि नहीं रुकेगा, घर पे बात बनेगी कि नहीं बनेगी, दोस्त अपने होंगे या धोखेबाज होंगे, प्यार इश्क मोहब्बत में कैसा चलने वाला है, नौकरी में बॉस का क्या हाल होगा, घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पारिवारिक संपत्ति का क्या हाल है, कोर्ट कचहरी में कहीं कोई गड़बड़ी वाला मामला तो नहीं सिर पड़ जाएगा, क्या आपके वैवाहिक जीवन में कोई तीसरा व्यक्ति दखल देकर मियाँ बीवी की लड़ाई करा सकता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जानने को उत्सुक रहते हैं। तो इस वीडियो में हम बताएंगे आपको आगे आने वाले कल का हाल, पूरे सप्ताह का हाल, एक एक दिन का हाल और पूरे सप्ताह की समरी भी बताएंगे, ताकि आप हर तरीके से इस राशिफल को देखकर संतुष्ट हो सके। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। आपका शुभ अंक, शुभ रंग और भाग्य प्रतिशत भी मैं आपको बताऊंगा और एक सरल उपाय भी बताऊंगा जिससे इस सप्ताह को आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो शुरुआत करें उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप या आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में कमजोर है, बिजनेस में कमजोर है, नौकरी में कमजोर है, तरक्की नहीं हो रही है और आपको ऐसा लगता है कि घंटों मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहे, बच्चे फेल हो रहे हैं या कम नंबर आ रहे हैं, या व्यापार आप दिमाग से नहीं चला पा रहे हैं, या आपकी पढ़ाई लिखाई ढीली पड़ रही है, या आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आप पे तंत्र मंत्र जादू टोना या नज़र लगा दी है और आप परेशान हैं, तो ये लाजवर्द का स्टोन आप पहन सकते हैं। इसके अंदर ताकत है दिमाग को तेज करने की, व्यापार को चलाने की, नौकरी में प्रमोशन दिलाने की और शत्रु की नज़र से आपको बचाने की। आप इसको ऑर्डर करें, L7 लिखकर व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए गए नंबरों पर, और बाकी रेट वगैरह सब कुछ साइड में आ रहा है, आप इसको मंगाएं, ऐसे ही पंच धातु में मढ़ा हुआ आपके घर कुरियर के द्वारा भेजा जाएगा। अब बात करते हैं आपके साप्ताहिक राशिफल की और आपकी राशि का हाल। मेष राशि, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं इस सप्ताह कैसे बीतेगा, फिर आखिर में मैं आपको बताता जाऊंगा कि हर तारीख, जैसे आने वाली सप्ताह की एक तारीख में कैसा कैसा वक्त बीतेगा, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ सके। तो मेष राशि की हम बात कर रहे हैं, सप्ताह शुरू होते ही आपको अच्छे संकेत मिल रहे हैं, आप पूर्ण विश्वास के साथ शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे, आपके खर्चे जो हैं उसमें आप कंट्रोल करेंगे, खर्चे फालतू के नहीं होंगे, शत्रु पर आपकी पकड़ बनेगी। इस सप्ताह में की गई यात्राएं आपको सफलता प्रदान करेंगी, आप अपने खर्चों को लेकर अच्छा मैनेजमेंट बनाएंगे ताकि आपके खर्चे कम से कम हो सके और बचत ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। आप नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, आपको सही रणनीति बहुत बढ़िया विजय दिला सकती है, बहुत अच्छा लाभ दिला सकती है, नौकरी में भी व्यापार में भी। सप्ताह के मध्य में आपकी आमदनी बहुत अच्छी बढ़ेगी, पारिवारिक आमदनी भी बढ़ेगी, परिवार के अन्य लोगों का भी सपोर्ट आपको मिलेगा, बचत भी शानदार होगी, परिवार में सुख शांति हंसी खुशी का माहौल रहने वाला है। सप्ताह के अंतिम दिनों में जबरदस्त लाभ के योग बन रहे हैं, अचानक से सभी खुशियाँ आपके घर आंगन में आएंगी, आपको प्राप्त होंगी। इस पूरे सप्ताह में रिश्तेदारों से मित्रों से आपको साथ और सहयोग प्राप्त होगा, अपनों का प्यार आपको मिलेगा। अब हम जानेंगे एक एक तारीख का हाल, इस सप्ताह की एक एक तारीख का हाल। तो बात करें 20 तारीख की, तो चंद्रमा कुंभ राशि में होंगे रात्रि 10 बजे तक लगभग, तो आज का दिन अच्छा है, धन निवेश करने के लिए शुभ वक्त है, आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है 20 तारीख को, आपकी वाणी मधुर रहेगी, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, मेहमानों से आपकी अच्छी बातचीत होगी, रिश्तेदारों से अच्छी बात होगी, जिससे बात करेंगे उसका दिल खुश हो जाएगा, मेहनत के साथ आप आराम भी करेंगे, यानी काम भी होगा आराम भी होगा और पैसा भी होगा। आपको अपने खर्चों पर थोड़ा काबू रखना होगा, आपको आपके भाई बहन से मधुर संबंध बनाकर रखने होंगे, व्यर्थ के वाद विवाद से आपको बचना होगा, खुद को व्यर्थ के वाद विवाद लड़ाई झगड़ों से दूर रखें, चुगली किसी की ना सुने ना किसी की करें, सेहत के प्रति भी थोड़ी बहुत सावधानी जरूरी है। अब बात करते हैं
21 और 22 तारीख की चंद्रमा मीन राशि में होंगे। आपको यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी इन तारीखों में रखनी होगी, हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। आज का वक्त थोड़ी सी मानसिक चिंता लेकर आ रहा है, आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन, थोड़ा सा रूखापन हो सकता है, वाणी से क्रोध झलकेगा, थोड़ा गुस्सा होगा, जल्दबाजी में कदम उठाएंगे, बिना सोचे समझे किसी को उत्तर दे देंगे, बिना सोचे समझे आप अपने काम शुरू कर लेंगे और फिर काम में फंस जाएंगे, काम अटकेगा तो और गुस्सा आएगा। ऐसे आप फिर बच्चों पे गुस्सा करेंगे, पत्नी पे गुस्सा करेंगे, पति पे गुस्सा कर सकती हैं, या परिवार के अन्य सदस्यों पर, या आपके साथ काम करने वाले लोगों पर आपका बेवजह गुस्सा फूटेगा। इसलिए काम थोड़ा सोच कर करेंगे, दिमाग लगा कर करेंगे, ठंडा पानी पी कर करेंगे तो फिर ऐसी मुसीबतें नहीं आएंगी। आपका 22 तारीख का जो दिन है वो बढ़िया बीतेगा, 21 का थोड़ा सा गड़बड़ है, आपको खोया हुआ आत्मविश्वास वापस मिल जाएगा, आपके प्रेमी प्रेम का जो है आपके रिश्ते बहुत बढ़िया हो जाएंगे, नौकरी करते हैं तो आपके अधिकारी संतुष्ट होंगे, अविवाहित हैं तो रिश्ते प्राप्त हो सकते हैं, आस पड़ोस परिवार के साथ इधर उधर अच्छे रिश्ते बनेंगे, जीवन साथी का पूरा साथ और सहयोग प्राप्त होगा, परिवार में सुख शांति होगी, व्यापार नौकरी में सब कुछ शानदार और बढ़िया हो जाएगा 22 तारीख को, 21 को थोड़ी सावधानी। बात करें 23 और 24 और 25 तारीख शाम 6:30 तक के समय की, तो चंद्रमा मेष राशि में होंगे, आपको फिर से बेहतरीन वक्त देखने को मिलेगा, व्यापारी लोगों का जो काम है वो बहुत जबरदस्त लाभ लेकर आएगा, शेयर मार्केट में लाभ होगा, आप आत्मनिर्भर होंगे, किसी और की आपको आवश्यकता नहीं होगी, दिन प्रसन्नतापूर्वक बीतेगा, परिवार के लोगों के साथ अच्छा सपोर्ट प्राप्त होगा, घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होगा, पारिवारिक संपत्ति में कोई फैसला हो सकता है, धन दौलत की कमी नहीं होगी, आप परिवार के लोगों के साथ खुश रहेंगे, आप अपनी वाणी से सभी का दिल जीत लेंगे, कोर्ट कचहरी के मामलों में कोई अच्छा फैसला होगा जिसमें नुकसान आपका बहुत कम होगा, आप अपने साथ साथ दूसरों का वक्त भी अच्छा करेंगे, दूसरे लोगों के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे, आप अपनी आंख का ध्यान रखिएगा, आंख में चोट लग सकती है या कोई और परेशानी हो सकती है, आपकी आमदनी बढ़ेगी, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो दिन बढ़िया रहेगा, परिवार में खुशहाली रहेगी, वाहन का सुख प्राप्त होगा, छोटी यात्राएं लाभकारी रहेंगी, हर मामले में दिन बढ़िया है, लोगों से मिलने जुलने का दिन भी बढ़िया है। 23, 24, 25 तारीख पूरा दिन नौकरी करने वालों के लिए, व्यापार करने वालों के लिए, घरेलू महिलाओं के लिए, घरेलू पुरुषों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए अच्छा है, छोटा बड़ा व्यापार हर जगह सुख शांति बनी रहेगी। बात करते हैं 26 और 27 तारीख की, चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे, आपको कठिन से कठिन काम करने में सफलता प्राप्त होगी, आप काम के साथ आराम भी करेंगे, छोटे भाई बहन का सपोर्ट भी प्राप्त होगा, धैर्य रखें और काम करते चले जाएं, जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे, आपकी संतान के लिए दिन बढ़िया है, पूरे सप्ताह में आपको शानदार रिजल्ट मिलने वाले हैं, तो आपको कहीं से भी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छे शानदार रिजल्ट मिलेंगे, परिवार में बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपका भाग्य प्रतिशत होगा 69%, शुभ रंग रहेगा गुलाबी और शुभ अंक है 6, यानी मां लक्ष्मी की कृपा बरस रही है और इस पूरे सप्ताह में आपको मां लक्ष्मी की आराधना करते हुए सप्ताह को बिताना है, मेष राशि वालों के जीवन में कोई कष्ट नहीं रहेगा, आप खुशहाल रहेंगे। तो यह था आपके सप्ताह का पूरा हाल, पूरी एक एक जानकारी आपके समक्ष मैंने रख दी, अब इसके आधार पर आप समझ जाएंगे कि आपका आगे आने वाला सप्ताह कैसा होगा, इस सप्ताह में आपकी शादी की सालगिरह है, आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, आपका जन्मदिन है या कोई और अन्य शुभ दिन है तो उसकी ढेरों ढेरों आपको बधाई, तो माँ लक्ष्मी की आराधना करते हुए इस सप्ताह का आनंद लीजिए और जीवन में तरक्की पाइए। अब अगर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफें हैं तो ये लाजवर्त का पत्थर मंगा कर पहन सकते हैं, ये ऐसे ही चांदी में मढ़ा हुआ या पंच धातु में मढ़ा हुआ आपको दिया जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ होगा और आप इसको पहनकर ये लॉकेट के रूप में या अंगूठी के रूप में अपने जीवन के कष्ट दूर भगा सकते हैं, ये वो रत्न है जिसको राजा महाराजा पहनकर अपने अनेक शत्रुओं से जीत हासिल करते थे, अनेक मुसीबतों से बचते थे, तो आप भी मुसीबतों से बच सकते हैं, L7 लिखकर व्हाट्सएप करना ना भूलें। ये सप्ताह आपका मंगलकारी हो। हरिओम नमस्कार।